चलिए एक और नए बच्चे से मिलते हैं, जीतेन कुमार से, जिनका ऑल इंडिया 262 रैंक है, जिनको कि एनआईटी कुरुक्षेत्र अलॉट हुआ है, जो कि यूपी इटावा से हैं। और जीतेन कुमार के बारे में बताना चाहूंगा, जीतेन ने कॉम्बिनेशन में पढ़ाई की, मतलब ऑनलाइन लिया, फिर भोपाल क्लासरूम में रहे कुछ समय, फिर वापस जाना पड़ा क्योंकि फाइनल ईयर के एग्जाम भी थे। और इम्पिटस के साथ यही अच्छी बात है कि बच्चे हर तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, अगर घर पे पढ़ाई हो रही तो घर पे, नहीं हो रही तो क्लासरूम में, और फाइनल को मैनेज कर सकते हैं, प्लस पॉइंट है। तो सबसे पहले जितेंद्र, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एनआईटी कुरुक्षेत्र के लिए। थैंक यू सर। मेरा नाम जितेंद्र कुमार दुबे है और मैं इटावा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। और मैंने, मेरा बैकग्राउंड में बीएससी मैथ था और मैंने ड्रॉप लेके तैयारी की थी यहाँ पे। एक्चुअली मैं, हुआ क्या था कि कोविड पैंडेमिक की वजह से मेरे जो बीएससी के एग्जाम थे वो पोस्टपोन्ड हो रहे थे, और मैंने इम्पिटस गुरुकुल सितंबर में ज्वाइन किया था। तो मैंने सबसे पहले ऑनलाइन ज्वाइन किया था सर, उसके बाद फिर मेरे एग्जाम बीएससी के डिले हो रहे थे, वो अक्टूबर नवंबर तक गए थे। अक्टूबर में मेरे बीएससी के एग्जाम कंप्लीट हुए, उसके बाद मुझे लगा कि घर पे उतना हो नहीं पा रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि ऑफलाइन भी ट्राई करना चाहिए, वहां पे जाके देखना चाहिए वहां का एनवायरमेंट कैसा है। तो फिर मैं 28 दिसंबर को आपसे बात करके भोपाल आया था। फिर मैंने यहाँ पे देखा कि घर पे अपन को ये लगता है ना कि 2-3 घंटे पढ़ लिए बहुत पढ़ लिए, बट जो एक्चुअल एनवायरमेंट भोपाल में मिलता है स्टडी का, वो घर पे नहीं मिल सकता है। एक बार आपको भोपाल जाके एटलीस्ट 8 दिन का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, उससे जो आप अपनी आगे की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, जो घर पे अगर आप ऑनलाइन करोगे तो आप देखना बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। मेरे साथ भी यही हुआ था। फिर एक्चुअली में हुआ क्या, मैं होली पे घर पे आया था, उसके बाद थोड़ा मेरा तबीयत खराब हो गया था, मैं वापस भोपाल गया था और कोविड बढ़ रहा था ना उस टाइम में। तो फिर मैंने सर से बात की, सर क्या करें, सर ने बोला कि आपका तबीयत सही हो जाए तब आ जाना। फिर मैं घर पे आ गया। अब क्योंकि मैं 3-4 महीने भोपाल में रह चुका था और वहां पे क्लासरूम में स्टडी कर लिया था मैंने आराम से, तो मेरा वही रूटीन बन गया था। फिर मैं जब घर आया तो 10-12 दिन लग गए मेरे को रिकवर होने में। उसके बाद मैंने अपनी जो पुरानी आदत थी, जो जैसे भोपाल में स्टडी करते थे ना, वही सेम रूटीन फॉलो किया घर पे भी। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे सब अनलॉक होने लगा, बच्चे जाने लगे भोपाल में। एक मंथ बचा हुआ था एग्जाम का, तो मेरे काफी फ्रेंड भोपाल वापस गए। लेकिन फिर मेरा क्या था, उसी टाइम में सौरभ सर का एक इंटरव्यू आया था, आपने जो अवार्ड सेरेमनी रखी थी ना हम लोग सीनियर की, तो सौरभ सर ने यह बोला था कि आप कोई भी डिसीजन लो वो सही और गलत नहीं होता है, उसको आपको सही और गलत बनाना पड़ता है, उसको प्रूव करके दिखाना पड़ता है। मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि अब मेरे को ऑनलाइन कंटिन्यू करना है। थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, हेल्थ इशू आ रहा था, मैंने कहा अब जो ये डिसीजन ले लिया मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, मैं ऑनलाइन ही रिजल्ट दूंगा घर पे रह के। एक मंथ बचा तो फिर ये सब सारी बुक्स ले जाना, फिर वहां सेट होने में 2-3 दिन का टाइम लगता है, दूसरी जगह जाओ। अब घर पे मेरा पूरा माइंडसेट वैसा ही बन गया था जैसे मैं भोपाल में कर रहा था, उससे बेटर ही कर रहा था घर पे। तो फिर मैंने अपना पूरा माइंडसेट बना लिया कि मेरे को यहीं से देना है। और फिर मैं एग्जाम से 2 दिन पहले भोपाल गया था, सर ने बोला था कि 1 दिन पहले रिलैक्स करना चाहिए, मैंने किया, बस थोड़े बहुत फॉर्मूले रिवाइज किए, उसके बाद मैंने पीसफुली होके अपने सेंटर पे गया और एग्जाम दिया, उसका ही रिजल्ट है। और ये पूरा क्रेडिट मैं सरस सर, अपने पेरेंट्स प्रतीक सर और पूरी इम्पिटस गुरुकुल की टीम को देना चाहता हूँ, उनके अलावा, उनके सपोर्ट के बिना ये रैंक पॉसिबल नहीं थी। देखो जितेंद्र, बिल्कुल सही बात बोली आपने, मेरा ये मानना है इम्पिटस ने बच्चों की सोच को बदल दिया है। मेरा हमेशा से मानना है कि पढ़ाई होने से सिलेक्शन होता है, चाहे आप घर पे पढ़ो, चाहे आप कोचिंग क्लास में पढ़ो, चाहे आप पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ो, चाहे आप कहीं पे भी पढ़ो, पढ़ोगे तो रिजल्ट आएगा। और वही चीज आज इम्पिटस ने बदल दी। जैसे पहले लगता था लोगों को कि 20 महीने 25 महीने तक जब तक 15-16 घंटे नहीं बैठेंगे, एक जगह नहीं बैठेंगे, पर जो आपने एक और बात बोली, अब अपने यही होता है कि आपने देखा भी है कि ऑनलाइन वाले बच्चे कई बार 1 वीक के लिए भी आते हैं, कई बार रुक जाते हैं, कई बार चले जाते हैं, क्योंकि सबको ये समझना है कि पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे वो घर पे रह के हो, चाहे वो भोपाल में रह के हो। आपको इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है कि जो प्लेटफॉर्म के वजह से आप हर जगह पे पढ़ाई कर सकते हो, और उसका आपने भरपूर फायदा उठाया। और बिल्कुल सच बात है कि डिसीजन सही गलत नहीं होते, उन्हें हमें प्रूव करना होता है। और आपने देखो, कई बार छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, इंटायर लाइफ को चेंज कर देती है। आपने उस बात को समझा और आपने आखिरी तक हिम्मत नहीं हारी, और उसी का रिजल्ट है कि आप कितनी अच्छी रैंक आई, कॉलेज मिला। अच्छा जितेंद्र, एक बात बताओ आप मुझे, क्योंकि आपने सबसे पहले बताओ इसमें एक तो स्कोर कितना आया था, और निम सेट के लिए एक्चुअल में कब सोचा था आपने? सर एक्चुअली मैं, मेरा जो अभी स्कोर था 550 था, वो 48 नंबर हटाने के बाद, उसके बाद 548 या 550 के अप्रोक्स था, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है अभी। और मेरा एक्चुअली मैं सर बीएससी बैकग्राउंड था, मैं पहले बीटेक करना चाहता था सर, क्योंकि मेरे फादर हैं वो पॉलिटेक्निक करे हुए हैं, तो उसमें से मेरा था कि मेरे को भी इंजीनियरिंग करनी है।
बट उस टाइम मेरा थोड़ा फैमिली कंडीशन थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, तो मैं प्रिपरेशन के लिए जा नहीं पाया था। तो पापा ने ये बोला कि आप बीएससी कर लीजिए, उसके बाद जो आपको करना है वो तब देखेंगे, वो करा देंगे। और मेरा शुरू से ड्रीम था कि मेरे को आईआईटी एनआईटी से ही करना है। तो उसके लिए जब हम लोग बीएससी करते तो हमारे पास आईआईटी में जाने का एक ऑप्शन होता है, आईआईटी जैम। तो जब मैं बीएससी करा तो मेरा पूरा फोकस हो गया था कि आईआईटी जैम ही करना है। फिर मैं यहाँ कानपुर विजिट करने आया था सेकेंड ईयर की छुट्टियों में बीएससी की कोचिंग के लिए। यहाँ मैंने देखा कि आईआईटी जैम के लिए आया था, बट मेरे को समाव यहाँ एमसीए के बारे में पता चला। मेरे को पहले से एमसीए के बारे में पता नहीं था। फिर मैंने थोड़ा सर्च किया तो मेरे गांव के ही दो तीन लोग करे हुए हैं, वो काफी अच्छी जगह पे सेटल है। तो फिर मैंने कंपेयर किया कि, और शुरू से मेरा थोड़ा इधर इंटरेस्ट ज्यादा था इस फील्ड में इंजीनियरिंग की, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मेरे को एमसीए ही करना है। बट मेरे यहाँ सर क्या होता है कि ग्रेजुएशन का थोड़ा प्रेशर ज्यादा रहता है, 60% कानपुर यूनिवर्सिटी से बन नहीं पाती है। तो मैंने प्रेफरेंस एकेडमिक को रखी पहले, मैंने कहा पहले 60% बनाते हैं उसके बाद निमसेट कर लेंगे, क्योंकि मैंने सिलेबस देखा था और मेरा मैथ बैकग्राउंड था। तो मेरे को लगा था कि मैं कर लूंगा, अगर 8 महीने भी अच्छे से मिल गए मेरे को तो मैं कर लूंगा। तो फिर मैंने, अब आपका सितंबर से लास्ट बैच स्टार्ट हो रहा था निमसेट 21 के लिए, तो मैंने वो आपका ऑनलाइन ज्वाइन किया। बट मेरे ग्रेजुएशन एग्जाम नहीं हुए थे और उस टाइम आपने अलजेब्रा वगैरह पढ़ा रहे थे, तो वो मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग कमांड था उस पे पहले से ही। पीएनसी और प्रोबेबिलिटी पे तो आज दिन तक भी उतना स्ट्रॉन्ग कमांड नहीं आया जितना कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री पे है मेरा। तो फिर मैंने सोचा कि पहले थोड़ा बीएससी पे भी रखते हैं, साइड में ये भी चल रहा है। फिर मेरे अक्टूबर से 24 अक्टूबर को मेरा लास्ट एग्जाम था बीएससी का। यहाँ बीएससी से फ्री हुए, फिर इतना पता था कि मेरे 60+ बन जाएंगे, ओवरऑल मेरे बीएससी फाइनल ईयर में 80% बने। अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है। तो यस सर, 80% बन गए मेरे, तो उसकी वजह से मेरे ओवरऑल 68-69% बना है मेरा बीएससी में। तो ये परसेंटेज का टेंशन खत्म हुआ मेरा। अब मैंने कहा अब निमसेट पे वर्क करना है, साथ में वो चल रहा था एग्जाम के साथ में भी। बट मैं फाइनली नवंबर से पूरा फोकस होके मैंने पढ़ाई करना चालू किया निमसेट पे, क्योंकि फिर मेरे पास बीएससी पूरा हो ही गया था, करने के लिए कुछ था नहीं, और निमसेट करना ही था, निकालना ही था। मेरा क्लियर माइंडसेट था कि मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है। मैंने ना 2020 का एग्जाम दिया है, मैंने कहा 21 का ही देना है और इसी अटेम्प्ट में निकालना है। अब ये कॉलेज वेरी कर सकता है कौन सा मिले। फिर मैंने अपना नवंबर में घर पे किया, बट घर पे फिर लगता था फ्री हो रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, थोड़ा पढ़ लिया तो लगता था बहुत पढ़ लिए। तो मैंने कहा नहीं, भोपाल भी जाना चाहिए। तो फिर मेरे साथ मैं और इंद्रेश आए थे, दो लोग हम लोग साथ में ही आए थे। हाँ। भोपाल आपसे बात करके 20 दिसंबर को, फिर जब यहाँ पे आए तो फिर पढ़ाई का तरीका पूरा बदल गया। जो हम अपन सोचते हैं ना कि घर पे रह के, फिर अगर आप ऑफलाइन का एक वीक का एक्सपीरियंस ले लोगे ना, तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन बहुत अच्छा कर लोगे। ऐसी बात नहीं है, ये मैं अपना बता रहा हूँ पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत से बच्चे होते हैं जो ऑनलाइन ही पूरा करते हैं, बट मैं पर्सनली ये कहना चाहूंगा कि आपको थोड़ा देखना चाहिए भोपाल में जाके, वहां का एनवायरमेंट देखना चाहिए। बस जो एनवायरमेंट से जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, पढ़ने का कॉन्फिडेंस आता है, और जो सरल सर से बात करने पर जो एनर्जी मिलती है उसकी तो बात ही अलग है। उसी की वजह से ये सब हो पाता है पॉसिबल। चलो जितेंद्र, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत खुशी हुई। अब आप ऐसे ही आगे भी खूब प्रोग्रेस करो, NIT में भी अच्छा परफॉर्म करो। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन। सर मैं जूनियर को एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो मेरे से गलतियां हुई है वो नहीं करें। पहली तो बात यह है कि सर कि किसी को रैंक के पीछे नहीं भागना चाहिए। जैसे कि टेस्ट होते थे तो बच्चे क्या करते हैं कि रैंक के पीछे भागते हैं, बट रैंक के पीछे नहीं भागना चाहिए, आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना है। आपने देखा कि आज मेरे टेस्ट में ये 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो आपको नंबर नहीं देखने चाहिए कि मेरे 100 में 90 नंबर आ रहे हैं, आपको ये देखना चाहिए कि ये 4 गलत हुए हैं तो ये नेक्स्ट टेस्ट में गलत नहीं होने चाहिए। सेम डे सेम टाइम एनालिसिस करना चाहिए, जो आपने बहुत कहा, लेकिन मैंने थोड़ा लेट डिसीजन लिया, शुरू शुरू में किया नहीं, तो उसकी वजह थोड़ा सा मतलब जो रैंक डाउन हुआ है। बिल्कुल सही बात है जी सर, ये मैं जूनियर से पर्सनली यही कहना चाहता हूँ कि सर आपको मतलब आप जो बताते हो वो सफिशिएंट, और ज्यादा बुक के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। प्रभात है उसने केवल आईडी सब्जेक्टिव ही बनाई और MNIT इलाहाबाद में है, वो बुक से सिलेक्शन नहीं होता है। एक बुक करो बट अच्छे से करो, कॉन्सेप्ट बना के करो तो सारी बुक बन जाएगी। बस सर, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट जी सर। थैंक यू।